नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल जिले के राजीव कॉलोनी में, जहां पर आज सुबह एक भयानक हादसा होता है। एक घर में आग लग जाती है और आग लगने के बाद जो घर का सारा सामान है वो पूरे तरीके से स्वाह हो जाता है। इसी घर, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सामान है, ये वॉशिंग मशीन की हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, किस तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। और वहीं दूसरी ओर आप ये मोटरसाइकिल देख सकते हैं, ये भी जलकर जो है खाक हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं हरियाणा के करनाल जिले के राजीव कॉलोनी की, जहां पर आज सुबह एक भयानक आग लगती है और इस आग लगने के बाद किस तरीके से जो सामान है वो जलकर खाक हो जाता है। करनाल के राजीव कॉलोनी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह एक घर में आग लग जाती है। आग लगने का मुख्य कारण क्या है ये भी हम आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बाइक है, आप ये देख सकते हैं, ये जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। जितने भी लोग इस घर में रहते थे उन्हें करनाल के ही एक अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले के राजीव कॉलोनी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह जो है यह घटना घटित हुई है। काफ़ी जो परिवार के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार ये आग कैसे लगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे ये आग लगी? पता नहीं, स्पार्किंग हुई होगी, फिर उसके साथ बाइक में लगी। बाइक के साथ मशीन बड़ी थी, प्लास्टिक वॉशिंग मशीन, उसमें लगी सारी, ऐसे ही लगती गई। घर के कितने लोग, सभी की तबीयत कैसी है? सब ठीक है। मेरी मदर हॉस्पिटल में, उनको सांस की दिक्कत हो गई थी, बोल नहीं पा रहे थे, फिर लेके गए हैं अभी हॉस्पिटल में, ये टेस्ट हुए हैं। पता नहीं चला आग कैसे लगी? नहीं चला। आप यहीं रहते हैं? मैं सामने ही घर यहीं रहती, पास में। वैसे मैं यहीं रहती हूँ, कभी यहीं सो जाते हैं, कभी अपने घर चले जाते हैं। आप इनकी बेटी हैं? हाँ जी, बेटी हूँ मैं इनकी। तो ये यहाँ पर अकेले रहते थे? अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं? हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं एक ही परिवार में, एक ही यहाँ पर, यहाँ मेरी मदर अकेले रहते, ऊपर रेंट पे रहते हैं, पाँच जने हो घर के। वालों को तो कोई ऊपर भी हुआ है, फ्रिज वगैरह ऊपर सारा, ऊपर भी फर्नीचर, फ्रिज वगैरह, ये सारी शीट वगैरह, गेट भी सारे हो रहे हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? क्या पास ये बिजली की सर्किट की वजह से घटना घटी थी? तो आप यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। क्या फ्लक्चुएट होती है बिजली यहाँ पे? हाँ जी, फ्लक्चुएट होती है, कम ज्यादा आती है? नहीं, कम ज्यादा का पता नहीं, सो रहे थे उस टाइम में, तो मिसिस शहर पे गई हुई थी, बाहर से कुंडा लगा के चली गई, भाई आऊंगी तो खोल के मैं अंदर आ जाऊंगी, तो एकदम अचानक आग लगी। पड़ोसी आया सामने, जैसे पड़ोसी आया उसको पता चला भाई आग किस वजह से आया। इतने में यहाँ बाइक खड़ी थी, बाइक की टंकी फुल थी पेट्रोल से, तो वो भर गई, आग लग गई, वो पकड़ गया पेट्रोल, एकदम से बहुत ज़्यादा भयंकर आग फैल गई। ऐसे देख के जान बचाने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा पानी डाला, जैसे बिजली का करंट लगे, हमारे को पाँव फूंक दिए, ये हाथे फूंक दिए, सारे पैर भी सड़ गए नीचे से। तो जी फिर उनको, माता जी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, तो उनको फिर थोड़ा सुधार 19-20 का। तो दमकल विभाग से फायर ब्रिगेड, हाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तब तक कॉलोनी वासियों ने सब ने साथ दिया और उन्होंने यहाँ पे बड़ा साथ दिया। भयंकर आग थी, उसका बुझाने का प्रयास किया और सब ने साथ दिया, अच्छा काम किया, बच गए, बचाव हो गया। माता जी की तबीयत कैसी? माता जी की तबीयत बहुत बुरी थी जब उस टाइम, तो अब ठीक है, थोड़ा सुधार है। उनकी आयु कितनी होगी? लगभग होगी 65-70 के बीच में। 65-70? हाँ जी। तो अब वो कहाँ पर हैं? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ अकेले रहते थे वो? हाँ जी, नीचे अकेले ही हैं। तो उनकी बेटिया ये सामने ही है, ये यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे उनके पास सोते थे, आज अचानक उधरी सो गए उनके पास, वो अकेली थी। ऊपर हम रेंट पर रहते हैं, ऊपर से जब हम पता लग गया, हमारी भी कुंडी लगी हुई थी, बच्चे ने हाथ दे के ऐसे खोल लिया, ये दरवाजा तोड़ के हमने अंदर से बाहर काटने का प्रयास किया, तो उसकी जान ऐसे बचाई। आप पड़ोस से रहते हैं? हम ऊपर रहते हैं जी, इसी मकान में रहते हैं। इसी मकान में? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कृष्ण। कृष्ण कुमार। आपके कितने परिवार के कितने लोग रहते हैं? मेरे बच्चे हैं जी 3, एक मिसिज एक मैं हूँ। तो आप सुरक्षित हैं? हाँ ठीक है जी, बाकी पाँव जल गए हैं थोड़े, हाथ जैसे थोड़ा मोटा बचाव हो गया फिर भी। तो ये आप देख सकते हैं कृष्ण, इनका नाम है, और इसी मकान के फर्स्ट फ्लोर में जो है ये रेंट पर रहते हैं, और किस तरीके से जो इनके भी हाथ, फिलहाल ये क्या, जैसा कि इनका मानना है कि हाथ इनके झुलसे हुए हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करें, ईश्वर का शुक्र है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की अगर हम बात करें तो वो इसी मकान में, आप ये देख सकते हैं नीचे के फ्लोर पर जो है ये बुजुर्ग महिला यहाँ पर रहती थी। ईश्वर का शुक्र है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ इस बड़े
हादसे में किसी की जान भी जा सकती थी। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो घर का सामान है वो जलकर खाक हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अंदर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत भयंकर यहाँ पर जो आग है वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हम आपको अंदर का व्यू दिखा रहे हैं किस तरीके से एक आशियाना है वो जलकर खाक हो जाता है। ये हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये फ्रिज है और ये आप देख लीजिए, ये पंखा है। लगभग पूरा जो अंदर का सामान था वो जलकर खाक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये किचन है और किस तरीके से जो एक बुज़ुर्ग महिला थी वो यहाँ पर रहती थी और यहाँ पर अचानक से आग लग जाती है। आग लगने की जो मुख्य वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये आग है इतनी भयावह थी कि जो ऊपर, ये देखिए जो ऊपर की जो छत है वो भी जो है जलकर खाक हो जाती है। ऊपर जो किराएदार है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर किराएदार है, यहाँ पर रहते थे और इनका भी काफी नुकसान हुआ। जब उस टाइम तो कुछ नहीं था जी, बाद में ही वो देखा आग आई, इतना 15-20 मिनट में जी आग लगी पाई, सब कुछ जल के राख हो गया था जी। कुंडे गेट गार्ड तोड़ के जी बाहर निकले, बच्चे ऊपर, बाइक भी जल गई जी, वॉशिंग मशीन थी जी। आपका ऊपर कितना नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ? फ्रिज जल गया जी सारा, यो कुर्सी कर्सियां थी जो वह जल गई जी, सारा गेट दरवाजे सब जल गए जी। तो ऊपर रहने वाले आप कितने लोग थे? हम 5 बंदे जी। तो बचाव हो गया? हाँ जी, बच्चे ऊपर छत से उतर आ रहे जी, पर साइड में निकाले जी, पड़ोसियों ने बचाया करा जी। कितने बजे की ये घटना है? ये 5 बजे की, 5:30 बजे की जी, 5:30। कैसे आग लगी है? आग जी वो लगी, बाइक खड़ी थी, मशीन थी जी, वो मीटर लग रहा है जो 100 मीटर होता है वो लग रहा था ऊपर, उससे तंगा गिरा जो उसमें सीट पे गिर गया बाइक की, वो नीचे सर आग लग गई, वो पेट्रोल की भरी टंकी फट गई, वहाँ उसके नीचे अपना सारी आग। क्या आपको ये नहीं